मैं हूं डॉक्टर सरिता जैन, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट फ्रॉम सीकर, राजस्थान। क्या आप लोग जानते हैं कि महिलाओं में निसंतानता के जितने भी कारण होते हैं उनमें से 25 से 35 प्रतिशत केसेस में फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होती है। तो क्या होती है ये फेलोपियन ट्यूब? फेलोपियन ट्यूब फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। हर महिला में दो फेलोपियन ट्यूब होती है, ये एक तरफ यूट्रस से जुड़ी होती है और दूसरी तरफ ओवरी की तरफ होता है सेकेंड एंड इनका। और हर महीने जो एक ओवरी से एग रिलीज होता है वो इस ट्यूब के थ्रू होते हुए यूट्रस की तरफ जाता है। और अगर जब ये एग जाता है उसी दौरान अगर हस्बैंड से संपर्क किया जाता है तो स्पर्म इसी फेलोपियन ट्यूब में एग से मिलता है और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया यहीं पे होती है। और उसके बाद में जो शुरू का भ्रूण का डेवलपमेंट होता है 4 से 5 दिन का, वो भी फेलोपियन ट्यूब में ही होता है। तो फेलोपियन ट्यूब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो जिंदगी होती है उसकी शुरुआत होती है। अगर ये ट्यूब्स ब्लॉक होती है, सपोज दोनों ट्यूब ब्लॉक होती है, तो नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी होना असंभव होता है। और जो ये फेलोपियन ट्यूब के ब्लॉक होने के यूजुअली कोई सिम्टम नहीं होते हैं। ज़्यादातर लोगों में ये तभी पता लग पाता है जो प्रेगनेंसी के लिए वो ट्राई करते हैं कपल और उनको प्रेगनेंसी नहीं हो पाती और उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, उनके टेस्ट किए जाते हैं, तब उनको पता लगता है कि उनके ट्यूब्स ब्लॉक होते हैं। कभी कभी कुछ परिस्थितियों में, जैसे कि एक परिस्थिति होती है जिसे बोलते हैं हाइड्रोसेल्पिंग, जिसमें ट्यूब में पानी भर जाता है, तो जिस तरफ के ट्यूब में पानी भरता है उधर पेट के नीचे के हिस्से में दर्द हो सकता है। या कई बार जैसे जिन कारणों से ट्यूब ब्लॉक हुई होती है, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस एक बीमारी होती है जिसमें कि ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, तो इस एंडोमेट्रियोसिस के लक्षण उसमें हो सकते हैं, जैसे कि पेट में नीचे की तरफ दर्द होना, हैवी पीरियड्स का आना और जो माहवारी के टाइम होता है उस टाइम पर भी अधिक पेट में दर्द होना, तो ये सारे लक्षण उनमें हो सकते हैं। जो अगर ट्यूब दोनों ट्यूब ब्लॉक होती है तो नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी होना असंभव होता है। कभी कभी ट्यूब क्या होती है कि पार्शियली ब्लॉक होती है, तो उसमें से एग और स्पर्म, चूंकि इनका साइज छोटा होता है, वो उसमें से पास हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया ट्यूब में हो जाती है, परंतु जो डेवलपिंग भ्रूण होता है उसका साइज बड़ा होता है और वो उसमें से बाहर नहीं निकल पाता, तो ऐसी परिस्थिति में भ्रूण ट्यूब में ही इम्प्लांट हो जाता है और इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। अगर इसका सही समय पर टाइम रहते अगर डायग्नोसिस नहीं हो पाए तो ये कंडीशन जानलेवा भी हो सकती है। और कई बार ट्यूब एक तरफ की खुली होती है, एक तरफ की बंद होती है, तो ऐसी स्थिति में नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी संभव होती है और इसमें प्रेगनेंसी की संभावना को बढ़ाने के लिए फर्टिलिटी ड्रग्स की हेल्प ली जा सकती है। अब हम जानते हैं, ये जानने का प्रयास करते हैं कि वो कौन सी परिस्थितियाँ होती है जिनमें कि ये ट्यूब ब्लॉक हो सकती है। तो जो इसका सबसे जो इम्पॉर्टेंट कारण होता है वो होता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। ये कई तरह के इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कॉमन इन्फेक्शन, गोनोकोकल इन्फेक्शन, क्लेमाइडिया इन्फेक्शन, इनमें ट्यूब ब्लॉक होती है। तो इनमें ये जो इन्फेक्शन होता है इनके कारण जो ट्यूब की अंदर की लाइनिंग होती है जिसे हम म्यूकोजा कहते हैं, वो डैमेज हो जाती है और उससे अंदर स्कार टिश्यू बनके ट्यूब आपस में चिपक जाती है और उसके कारण इसमें ब्लॉक हो जाता है। और एक जो कॉमन परिस्थिति होती है इंडिया में स्पेशली कॉमन है, वो है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस स्पेशली इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसका जो जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस, बच्चेदानी की जो टीबी होती है, इसका डायग्नोसिस बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि शुरुआती स्टेज में किसी तरह के कोई लक्षण नहीं होते और जो इसके टेस्ट होते हैं वो भी 100% कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं होते हैं, तो इसका डायग्नोसिस डिफ़िकल्ट होता है। और इसमें ट्यूब को अगर डैमेज हो जाता है तो ट्यूब ब्लॉक हो जाती है और उसको ओपन करना भी आसान काम नहीं होता है। अगर इसका शुरुआती स्टेज में डायग्नोसिस हो जाता है तो फिर इसको ट्रीट करना आसान होता है। और कई बार जो ट्यूब का जो ब्लॉक हुआ होता है उसके बाद में जो टीबी होती है जेनाइटल ऑर्गन्स की, वो यूट्रस तक भी चली जाती है और उसमें यूट्रस की लाइनिंग डैमेज होकर अंदर जाला सा लग जाता है जिसे एशरमैन सिंड्रोम कहते हैं, और ऐसी परिस्थितियों में बच्चा होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इन सब में इन्फेक्शन में अगर डायग्नोसिस अर्ली हो जाता है तो फिर भी इनका ट्रीटमेंट इजी होता है, लेट स्टेजेस में इनका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होता है।
एक और परिस्थिति जिसे एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, इसमें भी ट्यूब ब्लॉक होती है। अगर एंडोमेट्रियोसिस ट्यूब के अंदर डेवलप हुआ है तो अंदर स्कार टिश्यू बन के ट्यूब ब्लॉक हो सकती है, और अगर सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स में एंडोमेट्रियोसिस है तो फिर एडेजन बनने से ट्यूब ब्लॉक हो सकती है। और अगर लोअर एब्डोमेन में, स्पेशली अगर फेलोपियन ट्यूब्स में कोई सर्जरी हुई है तो उसके कारण भी ट्यूब ब्लॉक हो सकती है। अब इनको, जो ट्यूबल ब्लॉक को किस तरह से डायग्नोसिस करें, कौन से टेस्ट है जिसके द्वारा हम इनको डायग्नोस कर सकते हैं, तो एक सिंपल सा टेस्ट है जिसको हिस्टरोस्कोपिंगोग्राफी या HSG कहते हैं। ये एक आउटडोर प्रोसीजर है और महावारी के शुरुआती दिनों में 8 से 10 दिन के बीच में इसको किया जाता है। इसमें एक बच्चेदानी के थ्रू एक डाई पुश करते हैं और उस डाई को एक्सरे की हेल्प से देखते हैं कि वो एब्डोमेन में आई कि नहीं। अगर एब्डोमेन में आ गई तो ट्यूब्स पेटेंट है। परंतु एक चीज़ जो ध्यान रखने लायक ये है कि ट्यूब्स का पेटेंट होना जस्ट ये शो नहीं करता कि उनकी फंक्शनिंग कैपेसिटी भी ठीक है। कई बार ट्यूब पेटेंट हो सकती है परंतु वो फंक्शनिंग नहीं होती। तो अगर इसके बाद भी आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो नेक्स्ट जो टेस्ट होता है वो लेप्रोस्कोपी है। लेप्रोस्कोपी एक इन्वेजिव टेस्ट होता है। इसमें एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है, एनेस्थीजिया की ज़रूरत पड़ती है, परंतु इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें हम डायग्नोसिस के साथ में ट्रीटमेंट भी जहाँ संभव होता है वहाँ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम इसमें जो ट्यूब सपोज ब्लॉक है तो हम उन कपल्स की क्या हेल्प कर सकते हैं, हम उनको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट के 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो है सर्जिकल ट्रीटमेंट और दूसरा है IVF। सर्जिकल ट्रीटमेंट ज़्यादातर उन्हीं केसेस में सक्सेसफुल होता है अगर जो ट्यूब को डैमेज है, अंदर जो स्कार टिश्यू बना है वो कम है, या जो बाहर जो एडेशंस है वो कम है। अगर कोई भी जो स्कार टिश्यू ब्लॉक या एडेशंस वो बहुत ज़्यादा है तो फिर सर्जरी के द्वारा उनको ठीक करना और प्रेगनेंसी नेचुरली कर पाना संभव नहीं हो पाता है। तो जो इसमें सर्जरी होती है, एक है ट्यूबल कैनुलेशन। ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए ठीक रहता है जिसमें जो ब्लॉक होता है वो जो ट्यूब का कॉर्नवल एंड होता है, यूट्रस की तरफ वाला जो एंड होता है, अगर उसमें ब्लॉक होता है तो उसमें ये सक्सेसफुल हो सकता है। तो इसमें एक कैथेटर होता है, उसको गाइड वायर की हेल्प से यूट्रस के थ्रू ट्यूब में पुश करते हैं और ट्यूब का जो ब्लॉक होता है उसको ओपन करने का ट्राई करते हैं। और जो एडेजियोलिसिस होता है लेप्रोस्कोपी के द्वारा, जो आसपास में एडेशन बने होते हैं उनको लाइस किया जा सकता है। और एक और जो ऑपरेशन होता है ट्यूब के लिए वो है फिम्ब्रियोप्लास्टी। इसमें जो ट्यूब का जो फिम्ब्रियल एंड होता है जो ओवरी की तरफ, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इनको फिम्ब्रिया कहते हैं। तो ये कई बार आपस में चिपक जाते हैं, उनका जो फिम्ब्रिया उनका एग्लूटिनेशन हो जाता है। तो इनको हम लेप्रोस्कोपी की मदद से उनको सेपरेट कर सकते हैं और उनकी वापस नॉर्मल एनाटॉमी में लाने की उनको कोशिश करते हैं। परंतु ये सब चीज़ें तभी सक्सेसफुल होती है जब ये मींस डिजीज़ इनिशियल स्टेजेस में है, शुरुआती स्टेज में। अगर ये डिजीज़ एडवांस स्टेज में, मतलब एडेशन ज़्यादा हो गए हैं या स्कार टिश्यू ज़्यादा बन गया है, तो ये सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। और एक परिस्थिति और है जिसमें सर्जरी स्पेशली यूज़फुल होती है, वो है हाइड्रोसेल्पिंग्स। हाइड्रोसेल्पिंग्स में क्योंकि ट्यूब में पानी भर जाता है, तो अगर हम इसमें IVF भी करते हैं तो जो फ्लूइड होता है ट्यूब से वो यूट्रस में जाता है और वो एम्ब्रियो के लिए टॉक्सिक होता है, साथ में एम्ब्रियो को बाहर की तरफ पुश कर देता है। तो इसमें जो सर्जरी की जाती है वो या तो सेल्फ इंजेक्ट में की जाती है जिसमें ट्यूब को बाहर निकाल दिया जाता है, या फिर जो ट्यूब का यूट्रस की तरफ का एंड होता है उस पर क्लिप लगा के या उसको कॉटराइज करके उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिससे वो फ्लूइड उधर यूट्रस में नहीं जा पाए। परंतु सेल्फ इंजेक्ट में या ट्यूबल क्लिपिंग के बाद में हमेशा IVF की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद में नेचुरल प्रेगनेंसी संभव नहीं हो पाती है। तो इस तरह से ये था कि फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉक के क्या सिम्टम हो सकते हैं, किस तरह से हम इसको डायग्नोस करें, कौन से कारण होते हैं जिसके कारण ये ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती है, और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है। और मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि अगर आपने काफ़ी टाइम से ट्राई कर लिया, सर्जरी भी आप करवा चुके हैं, या फिर आपकी डिजीज़ एडवांस स्टेज में, तब भी आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्पेशली ट्यूबल ब्लॉक के केसेस में IVF की सक्सेस रेट बहुत अधिक होती है और आप IVF के द्वारा प्रेगनेंसी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। केयर फॉर क्यू एक हेल्थ एजुकेशन चैनल है जिसमें हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स के द्वारा
माँ एवं शिशु के स्वास्थ्य एवं निसंतानता के बारे में सरल एवं आकर्षक तरीके से जानकारियाँ दी जाती है। हमारे वीडियोस में दी गई सभी जानकारियाँ पूरी तरह से ऑथेंटिक है और एविडेंस बेस्ड है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये जानकारियाँ पहुँचे। और हाँ, लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।